झंडा लगाया हुआ है। हो सकता है कि चाइना क्या है, हांगकांग का चाइना डायरेक्ट अपना यानी फ्लैग नहीं लगा सकता है, तो उसने हांगकांग का फ्लैग लगा के और दिल्ली की एक कंपनी को, उसने दिल्ली के कंपनी के माध्यम से पैसा लगाया हुआ है, तो इस वजह से भी है। और अब वो पेटीएम क्या है कि ये बता नहीं रहा था कि भाई पैसा किसका है, कहाँ से है, कैसे आ रहा है, ये सब चीज़ें पता नहीं चल रही थी, तो इसके वजह से भी क्या है कि इनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, यूपीआई ब्लॉक की गई। यूपीआई क्या होती है, मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि यूपीआई मेन आपका एड्रेस होता है जिसमें आपके पैसे भेजे जाते हैं, तो पेटीएम का एक एड्रेस होता है, जैसे हर ऐप्स का एक एड्रेस होता है, फोन पे का अपना यूपीआई एड्रेस होता है, वैसे ही पेटीएम का भी अपना यूपीआई एड्रेस होता है, जैसे गूगल पे का भी अपना यूपीआई एड्रेस होता है। गूगल पे खुद में यानी गूगल पे का खुद का अपना का एड्रेस नहीं है, उसका खुद वो खुद HDFC का यूपीआई इस्तेमाल करता है, यानी HDFC के माध्यम से यानी आपके पास पैसा आता है वो उसका इस्तेमाल करता है गूगल पे। गूगल पे केवल ऐप है मात्र, वो अपने यानी कि ऐप उसने बना दिया है, बाकी वो आपके ही बैंक का इस्तेमाल करके और आपके पास पैसा दे देता है। तो कहने का मतलब यही है कि पेटीएम का अपना खुद का यूपीआई था इसका, यानी जैसे मेरा मैंने बैंक में इसके अकाउंट खोला था पेटीएम पेमेंट बैंक पे, तो उस पे क्या था कि मेरा जो बैंक अकाउंट है तो मेरे मोबाइल नंबर से लिंक था, तो जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 77 24 03 88 90 एज पेटीएम, तो इस पे एज पेटीएम लगता है। एज आपको पता ही है कि एज क्यों लगता है, एज क्या है कि एक एड्रेस का सिंबल होता है, तो वो सिंबल जो है वो एड्रेस होता है, तो यानी एड्रेस में आप देखे होंगे कि एड्रेस में अक्सर आप देखेंगे कि एज का सिंबल लगा होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं एड्रेस से रिलेटेड होता है वो। तो यही चीज़ है कि आपका एड्रेस जैसे एज पेटीएम है, यानी मेरा नंबर जो है और एज पेटीएम, यानी मैं जो है वो पेटीएम ने मुझे एक एड्रेस दे दिया है कि एज पेटीएम पुष्कर शुक्ला, यानी इस नंबर से मोबाइल नंबर से इनका ये एड्रेस है, इस पे जो भी पैसा जाएगा तो इस अकाउंट पे चला जाएगा। तो अब वो क्या है कि RBI ने इनके एड्रेस को ब्लॉक कर दिया है, तो अब ये एज पेटीएम नहीं दे पाएंगे किसी को भी, और अब इनको क्या है कि किसी बैंक से टाई अप करना पड़ेगा, जैसे गूगल पे टाई अप किया है कि HDFC से टाई अप किया हुआ है, तो वैसे ही अब क्या है पेटीएम को भी किसी बैंक से टाई अप करना पड़ेगा और उसका UPI एड्रेस इस्तेमाल करेगा, तो वो कुछ इस तरह से अब ट्रांसफ़र होगा। बाकी ये बैलेट इसका जो है, जैसे लोग कहते हैं कि बैलेट काम करेगा कि नहीं करेगा, तो भाई बैलेट टॉयलेट में बता देता हूँ कि काम नहीं करेगा, सरकार ने साफ बोल दिया है कि जैसे ये रिजर्व बैंक ने कि बैलेट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि UPI काम ही नहीं करेगा, तो आप टॉपअप नहीं कर पाएंगे अपने बैलेट पे, तो सीधी सी बात यही है, तो बैलेट बंद हो जाएगा। जैसे मर्चेंट अकाउंट जो है तो वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, अभी जिनका पैसा पड़ा हुआ है तो वो निकाल सकते हैं मगर टॉपअप नहीं कर सकते हैं, यानी ऐड नहीं कर सकते हैं 29 तारीख के बाद। 29 तारीख तक तो आप चलते रहेंगे मगर 29 तारीख के बाद आप ऐड पैसा नहीं कर पाएंगे, उसके पहले आपका जो भी पैसा है तो वो आप निकाल सकते हैं। वैलेट में अगर भी पड़ा हुआ है तो उसको भी आप अभी निकाल सकते हैं, अगर आपका पेटीएम मनी में पड़ा है या कहीं भी पड़ा है तो आप उससे निकाल सकते हैं। और कुछ इस तरह से इसका यानी कि अभी जो न्यूज आई है तो कुछ ऐसा ही है कि आप अभी 29 तारीख तक यानी अपने पैसे को निकाल सकते हैं और बाद में भी निकाल सकते हैं मगर ऐड नहीं कर सकते हैं। 29 तारीख के बाद आप ऐड नहीं कर पाओगे पेटीएम मनी पे भी, और इनके यानी कोई भी वैलेट पे किसी भी अकाउंट पे, यानी इनके पेटीएम पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है तो उस पे आप ऐड नहीं कर पाओगे। इन्होंने इनका पेमेंट बैंक जो है पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है, यानी कि अब उस पे पैसे जो है वो नहीं जाएंगे 29 तारीख के बाद से। हालांकि बात हुई है, बात यानी ये RBI गवर्नर ने क्या है कि इनको क्लियर करने के लिए बोला है कि आप क्लियर करो कि कहाँ से क्या कैसे आप काम कर रहे हो, तो अभी ये क्या है कि देखने वाली बात है कि कब तक ये क्लियर होगा कब तक नहीं होगा। ये तो बहुत यानी कि मेरे को तो काफ़ी शॉकिंग है एक प्रकार से, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं यानी पेटीएम से काफ़ी दिन से यानी अकाउंट वगैरह इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे क्या है इसके विषय में थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो गया था इसके ऐप के विषय में कि कहाँ क्या कैसा है। तो अच्छा ऐप था, एक बहुत ही बढ़िया और यूजफुल ऐप था, यानी इसमें मुझे ऐप में कहीं भी कोई दिक्कत समझ में तो नहीं आई, बस हाँ ये है कि पता नहीं क्या दिक्कत आई RBI को यहाँ पे। मेरे को अंतिम मेरे को प्रोसेस यही समझ में आता है कि इनका और कुछ भी गड़बड़ी मेरे को तो नहीं समझ में आया, मुझे नहीं लगा इनकी कोई गड़बड़ी, क्योंकि मैं खुद तो ऑडिटर हूँ नहीं है कि उन्होंने क्या कितना पैसा किस अकाउंट से भेज दिया मुझे तो पता नहीं है, ठीक, मगर यह है कि इनके ऐप में कोई परेशानी तो नहीं थी, बस
काफ़ी दिन से मैं यूज़ किया, कभी यानी कि पैसा इधर का उधर नहीं हुआ, कभी ना तो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ अकाउंट से। और मगर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इन्होंने यानी RBI इससे भी नाराज़ है कि यानी शायद सरकार का दबाव हो सकता है इस पे कि यानी पैसा जो है वो चाइना का है, क्योंकि अपन चाइना से ऑलरेडी अपना क्या है विरोध चलता है, तो इस वजह से हो सकता है कि चाइना का पैसा क्यों लगा है इस ऐप पे। तो ये कारण भी हो सकता, सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि चाइना का पैसा लगा है। तो और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि शायद मुकेश अंबानी जो है यानी जैसे ही यानी RBI ने इनको यानी कि एडवाइस वो दिया है यानी अटेंशन किया है कि भाई आपका हम ऐप बंद करने वाले हैं, तो वैसे ही यानी मुकेश अंबानी ने भी यानी अपने एक्टिव हो गए, तुरंत एक्टिव हो गए और यानी मीडिया में आ गए डायरेक्ट कि भाई हम अब आगे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, पेटीएम का शेयर भी आप देखते होंगे कि कहाँ 1000 के समथिंग यानी चलने वाला शेयर और आज की डेट में 450 के समथिंग आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है पेटीएम को इसके वजह से। तो अब देखना है आगे क्या होगा। फिलहाल के लिए यही जो न्यूज़ थी वो मैं लेके आया, मुझे लगा शायद ये न्यूज़ आपको यूजफुल लगे कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखिए 29 तारीख के बाद आपको पैसा क्या है कि पेटीएम में यानी अगर पेटीएम पेमेंट बैंक अगर आप चलाते हैं तो यानी आप नहीं यूज कर पाएंगे 29 तारीख के बाद, पेटीएम पेमेंट बैंक टोटल ही ब्लैक हो जाएगा और UPI यानी उसका ब्लॉक कर दिया जाएगा, वैलेट वगैरह टॉप अप नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, उससे पहले आपको मैं यानी आपको नोटिफिकेशन की तरह एक वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। आप पूरी वीडियो अगर मेरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि पेटीएम का एड्रेस जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपके समझ में आ जाएगा कि पैसा जब एड्रेस अगर आप मैं मेरा एड्रेस अगर कोई ब्लॉक कर देगा, सरकार ब्लॉक कर देगी मेरे एड्रेस को, तो मेरे पास पैसा आएगा ही नहीं, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा। तो कहने का मतलब यही है, सीधी सी बात है। तो फिलहाल के लिए चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।